दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आई गेस द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ऑफ माय ऑल टाइम यूट्यूब हिस्ट्री क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पे क्वेश्चंस बनाए के उसके ऊपर एक वीडियो बनाए और एक डिटेल वीडियो बनाएं और uh, मुझे बहुत से डी थे और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाए और uh, मैं भी काफी अवसर से इस पर वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन इस ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसके ऊपर रिसर्च इतनी चाहिए थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था अभी रात मेरी जॉब थी मैंने रात एक वीडियो बना के अपलोड की है अभी नेक्स्ट डे सुबह को मैं दोबारा जॉब पे आ गया हूँ बग़ैर सोए बारह घंटे की शिफ्ट थी बगैर सोए मैं नेक्स्ट शिफ्ट पे आ गया हूँ ठीक है तो देख लो मेरे वही वही जो है मेरी शूटिंग भी वही है ठीक है तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जोन चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि ऐसी जो एक डिटेल्ड वीडियो है क्रेडिबिलिटी uh, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर वो मैंने अब तक यूट्यूब पे नहीं देखी क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर के गया हूँ मुझे भी चाहिए थे ऐसे क्वेश्चन लेकिन मैंने uh, जो से है ना जो समअप किया है क्वेश्चन को uh, इतनी मेहनत से आपके लिए इसमें मैंने स्पाउस के लिए बताया कि जो वो स्पाउस के साथ रहते हैं उनसे क्या क्वेश्चन एक्स्ट्रा uh, हो सकते हैं टिप्स शेयर किए हैं आपसे जिससे आप हंड्रेड परसेंट जो सा है ना uh, uh, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्रैक किया इनको समझा इनको वीडियो को एंड तक देख के आज जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सुना मैं आपसे 100 परसेंट गारंटी लेता हूं कि आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पर फेल नहीं होने लगे ठीक है तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो यार सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को यह पता होना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता क्या है ठीक है जब आप किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं अपने एडमिशन के लिए ठीक है तो यूनिवर्सिटी को कुछ जोन है ना एक छोटी चाहिए होती है कि वाकई यार ये स्टूडेंट अगर एम्बेसी ने इंटरव्यू लिया तो ये उन स्टूडेंट्स को आ, उनको क्रैक कर सकता है हम इतना इसके लिए एक जो सीट रिजर्व कर रहे हैं आया ये उसके लाइक like भी है या नहीं है ये डिजर्व भी करता है या नहीं इसलिए वो क्वेश्चन आपसे कुछ करते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ जस्ट एक इंटरव्यू लेती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो तीन चार आपसे इंटरव्यू लेती हैं सीरीज में ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कैश इशू करने से पहले प्री कैश इंटरव्यू पहले ऑफर लेटर से पहले एक इंटरव्यू ऑफर लेटर के बाद इंटरव्यू कंडीशनल से पहले इंटरव्यू तीन चार तो आपने घबराना नहीं है तो जो आ, मैंने इनको डिवीजन डिव की हुई इन सब की तो सबसे पहले जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्टार्ट होता है उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको कुछ टिप्स देनी है ताकि जब आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्टार्ट करो तो आप जो सा ना मैंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो ठीक है वीडियो लंबी होने वाली है आ, तो बर्दाश्त करना मुझे भी मैं भी आपको जो सा ना इतनी देखें एक दो तीन चार पाँच पता नहीं कितने पेज हैं मैंने लिखे हुए हैं तो ये आपके लोगों के लिए लिखे हैं मैंने अपने अब अप, मैं तो आ गया हूँ मैंने क्या करना है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू uh, से पहले के टिप्स दे रहा हूँ कि जो आप उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो ठीक है तो सबसे पहले तो यार आपने ना जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपने ना बिल्कुल काम रहना है ठीक है और किसी किस्म का अपना प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर और अपने जो आप आंसर दे रहे हैं उसको ब्रीफली तौर पर ना आपने एक्सप्लेन करना है लाजमी ठीक है आपने अगर टूटे मोटे जवाब देगा यस यस ओके तो यूनिवर्सिटी कहेगी यार ये क्या चीज़ है ठीक है तो आपने आपने जो क्वेश्चन वो आपसे पूछे आपने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा मैं उसके एग्जाम्पल के साथ ना थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि यार आपने क्या लिखना है अब मैं ये जो क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा ना आपने ना एक पेन पेपर लेके वो क्वेश्चन लिखते रहना है और ताकि आप जब आप लिखेंगे सुनेंगे तो जो ना आपके लिए ज्यादा गाइडेंस होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना करेबिलिटी इंटरव्यू में फेल होते हैं और उनको अपना डेफर करवाना पड़ जाता है तो इसलिए इसके ऊपर बड़े ध्यान से आपने करना है टाइम ज़रूर लगेगा वीडियो लंबी भी होगी तो जो है ना आपने इसको करना है ठीक है उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होते तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना यूनिवर्सिटी आपको सेकंड अटैम्प्ट भी देती है कुछ यूनिवर्सिटी तो थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट भी आपको देती हैं ठीक है तो आपने उसमें घबराना नहीं है और अपने जो है ना अपसेट नहीं होना बिल्कुल भी नंबर ये सेकंड टिप थी जो नंबर थ्री टिप है वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया मतलब आपको समझ नहीं आया कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्या क्वेश्चन किया है तो हवा में नहीं आपने आंसर छोड़ना जस्ट उससे कह देना पार्डन कैन यू रिपीट द क्वेश्चन ठीक है तो यार ये कहते हैं काइंडली कैन यू रिपीट द क्वेश्चन ठीक है तो वो आपको क्वेश्चन रिपीट करेगा जब आपको क्वेश्चन समझ आए तब आपने उसका जवाब देना है इसके अंदर कोई वो मसर मसाली बात नहीं होती कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पार्डन करके आप जो है ना उससे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करा लें जब वो आपसे आपकी आप सिटी जिस सिटी में यूनिवर्सिटी है और युण, और यूनिवर्सिटी के बारे में जब आपके क्वेश्चन पूछे ना तो आपने उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ठीक है आपने जस्ट एक या दो वर्ड्स में नहीं बताया वो पूछे आ, किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप कहो जी मैनचेस्टर ठीक है बस खत्म ऐसे खत्म नहीं कर देना तो आपने आ, बताना है उसको माई यूनिवर्सिटी इन द मानचेस्टर ठीक है तो आपने फिर उसके बाद मानचेस्टर के बारे में बता देना इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ठीक है तो इस तरह की आपने दो तीन चार जोन से है ना लाइनें बोलनी है ये नहीं करना कि माई यूनिवर्सिटी इज इन मानचेस्टर बस ऐसे मुंह ना के बैठ जाए उन्होंने कहना बंद है ये चंगा बंदा है ठीक है तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है उसके सिटी के बारे में बता देना है उसकी थोड़ी पॉपुलेशन के बारे में बता दिया ये तो मतलब सिटी के बारे में कुछ भी आपने दो तीन लाइनें बोल देनी है जब आपसे पूछे तो नेक्स्ट जो टिप है वही है कि आपने जो जो फिगर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं जो आपकी ई मेल है आपका पासपोर्ट नंबर आई डी नंबर है उनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है जो आपके लिविंग एक्सपेंसिज हैं खासतौर पर जो ये नंबर्स में है ना जो एग्जैक्ट जो फीस आपकी आपकी टोटल फी आपका इनिशियल डिपॉजिट आपका कोर्स ड्यूरेशन आपका ये जो चीज़ें आपने इनको अच्छे तरीके से ना अपने जहन में मेमोराइज़ करके रखना है ठीक है तो आ, नेक्स्ट जो आपके लिए टिप है वो ये है कि आपने अपनी वीजा फी आपकी कितनी है और आपकी आईएचएस फी कितनी बनेगी आपने वो भी अच्छे तरीके से ना कैलकुलेट रखे जहन में मेमोराइज करके रखनी है लिख लें और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं ये आप लिखते जाए ठीक है उसके बाद आ, एक इसमें जो टिप्स के तौर पर जो एक लास्ट टिप है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो ना हंड्रेड आप

ठीक है ताकि कल जब आप वहां पे उनके सामने बैठे हो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप जो ना नर्वस ना हो अगर आप नर्वस हुए तो आप गए ठीक है ये थी सबसे पहले टिप्स तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर रहे हो तो इनशाला जो न, आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जरूर कराएगा जो सबसे पहले कैटेगरी है ना जब आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्टार्ट होता है टिप्स के बाद आपकी जो पहली कैटेगरी वो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ठीक है तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो आपसे आपका नाम पूछेंगे कि वॉस योर फुल नेम तो आपने जैसे मेरा फुल नेम है मोहम्मद हमजा शफीक तो मैं बताऊंगा माय फुल नेम इज़ मोहम्मद हमजा शफीक ठीक है तो उसके बाद वो आपसे आपका फादर्स नेम पूछेंगे तो आपने अपना फादर्स का नेम बताना है तो उसके बाद आपने वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आपने उसकी अपनी जो है ना डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से आपके जहन में होना चाहिए वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है ठीक है अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रियल में डेट ऑफ बर्थ और होती है और सेलिब्रेशन उसी लिहाज से करते हैं लेकिन उनकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वहां पे लिखी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है मेरे केस में सेम ही था लेकिन आपने उनको वो डेट ऑफ बर्थ बतानी है जो आपके रिकॉर्ड में हिस्सा है जो आपके डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है वो नहीं जिस पर आप अपनी सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी को इससे कोई लेना देना नहीं है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में देखना है डेट ऑफ बर्थ आपने वो बतानी है उसके बाद आपने अपना ई एड्रेस बताना है ई एड्रेस आपने वो बताना है जिस पे आपके ऑफर लेटर्स वगैरह आते रहे हैं या आपके कंसल्टेंट ने जो ईमेल यूनिवर्सिटी को दी थी ठीक है आपकी ईमेल एक कंसल्टेंट लाजमी देता है वो कंसल्टेंट पता क्या करते हैं स्टूडेंट uh, के नाम से एक ईमेल बना लेते हैं ठीक है तो कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके आपने ई जरूर ले लेनी है ताकि आपकी जो ई है, है वो डिसमैच ना हो उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद आपका पासपोर्ट होता है तो आपको अपना पासपोर्ट नंबर अच्छे तरीके से अपने खोपड़े में रखना है ठीक है तो उसके अलावा आपका आईडी कार्ड नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं अक्सर स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं यार ये ये कौन सा क्वेश्चन है तो अभी मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने बाद में आपने नहीं याद करना वो आपकी मर्जी है बाद में अगर उन्हें यूनिवर्सिटी आपसे अनएक्सपेक्टेडली पूछ लिया आप रगड़े गए वहां पे आपका कॉन्फिडेंस एकदम जमीन बोस हो जाएगा तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर पासपोर्ट नंबर जहन में लाजमी रखना है ठीक है तो वो आपसे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्सनल आप आपका के आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने अपने बैचलर्स की डिग्री बतानी है कि मैंने बी एस किया और इसमें ये किया ये किया ये किया जो भी आपकी फील्ड होगी ठीक है अब जैसे मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हुई है फाइव ईयर्स तो मैंने uh, मैंने बताया था कि मेरी जो प्रीवियस uh, क्वालिफिकेशन है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी थी फाइव ईयर्स प्रोग्राम एंड नाउ आई एम कंटिन्यू टू माई मास्टर्स ठीक है तो आपने अपना लास्ट क्वालिफिकेशन बतानी है अगर आपकी थोड़ा सा गैप है एक साल का डेढ़ साल का दो साल का तीन साल का अगर आपने यूनिवर्सिटी को वो गैप जैसे आपने उसको यूनिवर्सिटी को गैप बताया था कि मैंने इस तरीके से गैप कवर किया है मैंने कोई टीचिंग की है मैंने कोई डिप्लोमा कर रहा था मैं कोई वैसे ही वर्क कर रहा था मेरा जॉब एक्सपीरियंस है तो आपने उनको बताना है कि मैं इस टाइम में ये, ये जॉब कर रहा था लाजमी पूछते हैं वो अक्सर पूछ लेते हैं ठीक है तो आप अपने अपने वर्क का बताना है कि मैंने ये, -ये वर्क किया अगर आपका कोई गैप नहीं है तो बताने वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका गैप क्या था लेकिन वो लाजमी पूछ सकते हैं अगर आपका गैप है तो इसके लिए आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है कि आपने इन टाइम में क्या क्या किया आपने उसको लिख लो आपने क्या क्या किया और उसको मेमोराइज करो और उसको बताओ ठीक है रट्टा नहीं मारना उसको ये ना लगे कि रट्टा मार रहा हुआ है चले अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है कि अकोमोडेशन आप क्या करेंगे ठीक है तो एकमोडेशन में आपने ये बताना है कि मैं जो सा है ना अपने कोशिश करनी है उनको यही इसी चीज़ पर कन्वेंस करना है कि जो अकोमोडेशन है मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लूंगा ठीक है तो आपने जब आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे ना वहाँ पे, पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं अकोमोडेशन के ऊपर ठीक है तो आपने वहाँ पे एक दो के नाम याद रख लेंगे यूनिवर्सिटी हॉल ऑफ रेजिडेंस या कुछ भी इसी तरह के तो मेरे यूनिवर्सिटी के क्वार्टर हॉल्स तो आपने बताना यूनिवर्सिटी के क्वार्टर हॉल्स में मेरा एम है कि मैं वहां पे एक रूम लू और उसका रेंट इतना वन हंड्रेड पर वीक है पर वीक है तो आपने उसको बताना है और उसको कहना है कि मैं जो कोशिश यही कर रहा हूँ मेरी मेरा कोशिश क्या आपने उनको बताना है कि मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लूंगा ठीक है अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन नहीं ले रहे आपने बाहर का बताना है कि मैंने बाहर की अकोमोडेशन ले रहा हूँ तो आपने फिर उनको बताना है कि यूनिवर्सिटी से ये इतना दूर है ठीक है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो अकोमोडेशन जिसमें अब आप जाने लगे हो तो वो यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है आपने माइल्स के अंदर बताना है जी मेरी अब यूनिवर्सिटी मैंने बाहर की अकोमोडेशन ली थी तो मैंने बताया था मेरी यूनिवर्सिटी से जो है फोर माइल्स है ठीक है तो फिर आपसे पूछेंगे कि आप कम्यूट कैसे करोगे यूनिवर्सिटी थ्रू आपकी जो सा है अकोमोडेशन में तो आ, मैंने उस टाइम बता दिया था कि आई विल यूज़ बस पास ठीक है तो क्योंकि वहाँ से बस डायरेक्ट मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है लेकिन उसके बा, बाद मैंने गाड़ी ली तो अब तो मैं गाड़ी पे जाता हूँ लेकिन ये कि जस्ट वो एक उनको पता होना चाहिए कि यार वाकई स्टूडेंट को कुछ आइडिया है यहाँ पर आके ये पागलों की तरह नहीं फिरेगा कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी को बस ये छोटी होनी चाहिए कि वाकई यार इस बंदे को कुछ ना कुछ आइडियाज हैं तो आप बताएंगे मैं बस से जाऊँगा और फोर माइल्स है तो ट्वेंटी मिनट्स का डिफरेंस है डिस्टेंस है ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगेंगे यूनिवर्सिटी में मुझे पहुंचने में ठीक है उसके बाद वो आपसे जोन से जो ना वो पूछ सकता है कि जोन से ना आपका रेंट कितना है ठीक है अकोमोडेशन का तो अगर आप यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन दे रहे हो तो वहाँ पे उन्होंने रेंट बताया होता है कि वन टेन पर वीक है अगर बाहर आप ले रहे हो उसमें बताया ना जी मेरी फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड जितनी भी है तो आपने उसको अपना जोन सैना बताना है रेंट ठीक है तो उसके बाद जो सा आपसे वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मज़द आपसे पूछ सकते हैं वो पूछेंगे आपका स्पॉन्सर कौन है कौन आपकी स्टडीज़ को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है जो आपकी इतनी ज्यादा फीस है वो आप कैसे अफोर्ड करोगे आपका स्पॉन्सर बंदा कौन है तो अगर आप अपने फादर का बता रहे हैं तो आपने बताना है कि मेरे फादर मेरे मुझे ना स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए ठीक है वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके जो स्पॉन्सर है उनका बिजनेस क्या है ठीक है या उनकी इनकम कहाँ से आती है तो मेरे फादर बिजनेस करते थे तो मैंने ये बता दिया था कि मेरे जो है ना फादर वो बिज़नेस करते हैं और उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपकी मंथली इनकम सॉरी आपके स्पॉन्सर की मंथली इनकम ठीक है तो आप उसमें बता दें कि इतने जो है ना पी में उसको कन्वर्ट करके आपने बता देना कि इतने पाउंड्स पर मंथ ना मेरे फादर की या मेरे स्पॉन्सर की इनकम है पर मंथ की ठीक है वो आपसे ईयरली भी पूछ सकते हैं तो आपने उसको याद अपने फिगर जहन में रखना है उसको पर ईयर से मल्टीप्लाई करके रखना है आपको पता होना चाहिए तो ये मैंने इसीलिए मैंने बताया था कुछ नंबर आएंगे जो आपने अपने जहन में मेमोराइज रखने हैं जो पहले टिप्स में मैंने इसलिए आप सबको कवर कर दिया था ताकि आपको बाद में मुझे ना बताना पड़े तो इसको आपने अपने जहन में रखना है ठीक है उसके बारे में बाद आप पूछते हैं आपके स्पॉन्सर के डिपेंडेंट्स कौन कौन है ठीक है तो आपने उनको बताना है कि जी आ, मेरे जो आपका अगर आपके फादर हैं उसके डिपेंडेंट्स कौन कौन हो सकते हैं आपके जो सिबलिंग्स हैं ठीक है वो उनके डिपेंडेंट्स होंगे तो आपने बताना है कि जो जिनकी शादी होगी उनका नहीं बताना जो बाकी बचे हुए हैं उनका बताना है जी मेरे फादर के टू डिपेंडेंट्स हैं थ्री डिपेंडेंट्स हैं ठीक है तो अपने जैनवन बताना है झूठ नहीं बोलना ठीक है तो उसके बाद वो आपसे ना मतलब स्पॉन्सर के बारे में वो इतना ही पूछते हैं ठीक है ताकि उनको पता हो जाए कि वाकई यार इनको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो वाकई इस काबिल है कि वो सुना आपको जो वो स्पॉन्सर कर सकता है ठीक है बाकी वो एकोमोडेशन के बारे में आपसे मैंने आपको सारा बता दिया वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप प्रेफर कौन सी करें तो आपने यही बताना है कि मैं प्रेफर करूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन लूँ ठीक है तो ये यहाँ पे आपके ना आके ना आपकी ऑलमोस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सी ना कंप्लीट हो जाती है ठीक है तो जो इसके अंदर जो नेक्स्ट फेज है जो दूसरा एक जो इसमें आप बना बना लें के जो पार्ट शुरू होता है वो ये है कि वो आपसे पूछते हैं यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन ठीक है पहले पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देन अब आपकी आगे यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन तो आपके वो चेक करते हैं इसको यूनिवर्सिटी के बारे में कितना नॉलेज है ठीक है तो वो आपसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे कि आप यूनिवर्सिटी का आप क्रेडिट इंटरव्यू दे रहे हो उसका नाम क्या है ठीक है पूरा पूरा आपको नाम पता होना चाहिए अब जैसे मेरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर मानचेस्टर ठीक है तो उसके बाद वो सिटी पूछेंगे कि ये किस सिटी के अंदर है ठीक है अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड मैंने बताना है कि ये ग्रेटर मानचेस्टर के अंदर सेल्फर्ड के टाउन में है ठीक है तो अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से देख लेना है अब आप, आपने इसका इसका टिप क्या होती है आपने जस्ट यूनिवर्सिटी का नाम अपना वहाँ पे डालना है गूगल पे तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लेनी है इट इज़ इन सबर्ब ऑफ मानचेस्टर बुलाबला बुला बलाबला ठीक है उसको आपने थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया ले लेना है ठीक है उसके बाद आपने कहा वो सिटी नॉलेज चेक करते हैं ठीक है तो आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल मैं अपना मानचेस्टर का बताया तो मानचेस्टर ये नॉर्थ uh, वेस्ट में था और uh, इसकी पॉपुलेशन इतनी है ये थर्ड फोर्थ बिगेस्ट सिटी है इंग्लैंड uh, की ठीक है तो उसके अलावा जो आ, सिटी का थोड़ा बहुत आप ना का जो प्रीवियस नॉलेज होता है ठीक है तो वो आपने बताना है उसके बाद आपने मतलब कि सिटी के बारे में ना आपने जस्ट आपने अब आपकी सिटी अब आप यूनिवर्सिटी मेरी है सलफर्ड तो मैनचेस्टर सिटी में लिखूंगा ना उसके बारे में ना वहाँ पे आ जाएंगी तो पाँच सात आठ लाइनें आपने इन अच्छी तरीके से ना उसके बारे में पढ़ लेनी है तो अगर वो आपसे पूछें तो आपको पता हो कि यार मैंने क्या जवाब देना है ठीक है उसके बाद वो आपका आपसे अपना यूनिवर्सिटी की, की रैंकिंग पूछेंगे आपको कहेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है तो उसकी आपके लिए आप ना गूगल पे जाएँ ठीक है आपने क्यू आर एस रैंकिंग सर्च करनी है ठीक है यूनिवर्सिटी की क्यू आर एस रैंकिंग तो वो आपने बताना कि अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू क्यू आर एस रैंकिंग इस मेरी यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग है ठीक है तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि वो आपसे भी ये पूछ सकते हैं कि आपने आ, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो आपने बताना है जी मैंने इस इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था मैं मैंने उनको बताया था मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में भी अप्लाई किया था मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ हम्पन में भी अप्लाई किया था मैंने बर्मिंग सिटी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था ठीक है वो उनको लाजमी बताना है कि आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया ताकि उनको पता हो कि यार वाकई इसने ये ना जनवन स्टूडेंट है ठीक है तो आपने बताना उनको अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया वो आपसे वो उससे पूछ वो पूछ सकते हैं कि जो आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग क्या है ठीक है तो आपने उनको बताना कोशिश करें कि उन यूनिवर्सिटी का नाम लें जो आपकी यूनिवर्सिटी से रैंकिंग में कम है ठीक है ताकि तो उनको आपको आप उनको बाद में बता सकें कि मैंने यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर, करेंगे ज़रूर करेंगे आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया तो आप बता देना कि बेटर रैंकिंग और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बेटर कोर्स मॉड्यूल्स ठीक है तो इन चीज़ों के ऊपर आपने यूनिवर्सिटी को जो है ना कंपेरिजन करना है ठीक है तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑन विच मेन ग्राउंड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी तो अब जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि रैंकिंग आपके मॉड्यूल्स आपकी सिटी ठीक है कि सिटी में अपने सिटी के बारे में बताना है कि मुझे सिटी मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो या फिर आ, बताना कि मुझे इस सिटी से लगा हुआ है मैंने सिटी के बारे में सर्च किया है मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये सिटी ठीक है तो कौन कौन से मेन ग्राउंड्स हो सकते हैं ठीक है उसके अलावा यहाँ पे आपने देखना है कि एकोमोडेशन इजिली uh, अवेलेबल है यहाँ पे तो इस तरह की चार पांच सात बातें आपने मेन ग्राउंड में बता देनी है कोर्स के बारे में बताना है उसके बारे में बताना है कि ये मतलब कि uh, मैंने uh, मतलब ये इस तरह की आपने चीज़ें जो है ना जहन में रखनी है ठीक है तो uh, वो नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई दिस कंट्री ठीक है वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने सिर्फ यूके में क्यों करना चाहते हो तो फिर आपने इसके बारे में जस्ट ये ना थोड़ा बहुत कर लेना कि यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में हाईएस्ट हैं ठीक है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वालिटी ऑफ लिविंग और जो स्टूडेंट के जो मामलात हैं ठीक है जो स्टूडेंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आपने बताना है सिटी लाइफ के बारे में बताना है उसके अलावा बताना है कि मतलब कि आप इस तरह की बातें बताई जानी है यूनिवर्सिटी को चार से पाँच जो ना बतानी है कि मैंने इस वजह से यूके को सिलेक्ट किया है एज़ कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया कैनेडा या यू ठीक है तो आपने ये इन चीज़ों के बारे में ज़रूर अच्छे तरीके से रिसर्च करनी है और जो मैंने जिस तरीके से बताया उस चीज़ के ऊपर आपने इसको सर्च करना है ठीक है उसके बाद वो आपसे पूछेंगे वाई दिस कोर्स तो आप यही कोर्स क्यों करना चाहते हो तो आपने यही बताना है कि ये मेरी प्रीवियस स्टडीज से कोरिलेट करता है और इसमें बेटर जो सा है एम्प्लॉयबिलिटी है और बेटर जो सी करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ठीक है और उसके बारे में आपने बताना है कि इन माई कंट्री जो सा है इसका बेटर स्कोप है ठीक है तो आपने इस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है ठीक है उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि वट आर योर प्लान्स आफ्टर कम्प्लीटिंग योर कोर्स आपका आपका प्लान क्या है आफ्टर कम्प्लीटिंग योर कोर्स ठीक है तो आपने अपने करियर प्रोस्पेक्ट बताने है के जो है ना मैंने मैं एक आ, मुझे एक जवाब था मैं सर्च कर रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा लगा था ठीक है तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ दो चीज़ों को कम्पेयर करके ठीक है तो उसमें ये है कि वो आ, पूछेंगे विल डू विल यू डू योर वर्क ड्यूरिंग योर स्टडीज तो इसका अपने जो, को, जो आंसर देना है वो ये आप दे सकते हैं कि आई विल फोकस ऑन स्टडीज आई हैव ऑल द फंड इन बैंक अकाउंट टू सपोर्ट माई लिविंग एंड यूनिवर्सिटी फी ठीक है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आई विल ट्राई टू गेन सम एक्सपीरियंस इन माई ओन फील्ड विच विल हेल्प मी इन गेटिंग गुड जॉब इन माई ओन कंट्री ठीक है तो आपका वो पिछले क्वेश्चन का जॉब प्रोस्पेक्ट्स का और आपका ये क्वेश्चन का कि आपका प्लान क्या है और आ, और व्हाट विल यू डू आफ्टर योर स्टडीज तो आपका ये दोनों इस चीज़ में कवर हो जाते हैं ठीक है तो इन दोनों में से वो आपको ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तो दोनों पूछ लिया तो इनमें से आपने दोनों खैर नहीं पूछेंगे इनमें आपने जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया इसको थोड़ा सा रिमाइंड करके इसको लिख लें और ताकि आपको पता लग जाए कि यार ये क्या चीज़ क्या चीज़ है उसके बारे उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी कोई फैमिली या कोई रिलेटिव रहते हैं यूके में ठीक है तो कोशिश करें यूनिवर्सिटी को ना ही बताएं अपने फैमिली रिलेटिव के बारे में से कहना नो बट आई हैव फ्रेंड्स लिविंग इन दिस सिटी तो वो पूछेंगे पुछें, पूछेंगे कौन से फ्रेंड्स uh, तो आप बता देना देवर विद इन माई बैचलर्स और देवर विद मी डूरिंग माई चाइल्ड हुड ठीक है तो वो चल जाएगा काम उसमें मसला नहीं है ठीक है वो आपसे पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी पेट तो अगर आपके पास कोई पेट है तो बता दें नहीं वरना उन्हें कह दें नहीं है तो अगर कोई पेट है तो बताएँ येस आई हैव अ कैट तो यस यू आई अ डॉग सो अगर नहीं है तो सिंपली बता दें कि मेरे पास नहीं है ठीक है तो ये वो चीज़ें जो आपसे यूनिवर्सिटी की बारे में आपसे पूछ सकती हैं ठीक है तो आपने ये अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर आपने कवर अच्छा तो जो नंबर थ्री जो मैं मैंने उसमें अभी बनाया जो यूनिवर्सिटी आपसे इस में भी लिया है, इसके बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है ठीक है तो सबसे पहले आपका कोर्स टाइटल पूछ सकती है जैसे मेरा था एमएससी ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी ठीक है तो मैंने उनको बताया जो मेरा कोर्स था वो एमएससी ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी है तो वो फिर भी पूछ सकते हैं वो एमएससी क्या होती है ठीक है तो आपने इनको एम एस सी को जस्ट गूगल पे सर्च करना है वट इज़ एम एस सी उसका शॉर्ट फॉर्म आप, आपको अपने एवरीवेयर मिल जाएगा आपको ठीक है मास्टर ऑफ साइंस इन ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी इस तरह करके ठीक है जो जो आपका ये कोर्स होगा उसके बाद आपने आ, वो आपसे पूछ सकते हैं मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट्स से कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे आके स्टूडेंट्स फ्लैट हो जाते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता तो आपने अपना क्या करना है अपने कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है अपनी वेबसाइट पे जाना है अपने कोर्स में जाना है वहाँ पे कोर्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है ठीक है वहाँ पर उन्होंने मॉड्यूल्स बताए होते हैं कि पहले साल में पहले सेमेस्टर में आपने ये मॉड्यूल पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में ये मॉड्यूल पढ़ने हैं तो उनका अच्छे तरीके से रिटर्न मार लेना है ठीक है उनके उनके अच्छे बारे में ना उनके कोर्स मॉड्यूल में खासतौर पर आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल पढ़ने हैं ना ठीक है तो उनके बारे में ना आपने ऑलमोस्ट ना आपकी एक एक जौन सा है वो आपने कोर्स के बारे में ना आपके मॉड्यूल्स के बारे में एक एक लाइन ज़रूर पढ़ी उन्होंने जो जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं ठीक है तो उसके बारे में यार अगर मैं आपको बताऊँ तो वो आपसे उसके बाद आपके मॉड्यूल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो आपको चैलेंजिंग लग रहा है ठीक है तो अगर आपको कोई मॉड्यूल चैलेंजिंग लग रहा है तो आप उसको बता देंगे यार ये मॉड्यूल मुझे चैलेंजिंग लगा है अगर कोई नहीं है तो ऐसा उसको छोड़ दें ठीक है उसके बारे में उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है ठीक है वो अगर जैसे मेरा इनिशियल डिपॉजिट 5500 फाइव हंड्रेड था मैंने बताया कि मेरा 5500 पाउंड जो सा है इनिशियल डिपॉजिट था मेरी टोटल फी आफ्टर स्कॉलरशिप इतनी थी तो टोटल फ़ी वो आपसे पूछेंगे आपकी टोटल फ़ी कितनी है मेरी थर्टीन मेरी टोटल फीस थी फिर वो आपसे पूछेंगे आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है तो आपने बताना मेरी स्कॉलरशिप थर्टी फाइव पाउंड मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी थी मिली थी ठीक है तो उसमें मेरी स्कॉलरशिप मैंने कट कर दी तो फिर वो उन्होंने पूछा कि आपकी बाकी फीस कितनी है ठीक है फिर तो मैंने उनको अपनी बाकी फीस बताई कि मेरी जनाब इतनी फीस बाकी बची है तो वो फिर वो आपसे पूछते हैं कि हाउ आर यू गोना पे योर रिमेनिंग फी ठीक है तो आप आपने पहले यूनिवर्सिटी को चेक कर लेना कि उनकी इंस्टॉलमेंट पॉलिसी है तो मैंने उनको बताया कि द यूनिवर्सिटी हैव काइन इंस्टॉलमेंट पॉलिसी दर आई एम प्लानिंग टू चूज़ दैट ऑप्शन टू पे माई रिमेनिंग फी ठीक है तो इस तरीके से आपने उनको ना फी के बारे में मुतमिन कर देना है फिर वो आपसे पूछते हैं आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है मेरा कोर्स का जो ड्यूरेशन था वो 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 वैसे ए वन ईयर कोर्स है लेकिन हॉलीडेज की वजह से ये स्पेन कर रहा था तकरीबन तो फिफ्टीन मंथ्स के ऊपर तो मैंने उनको बताया जो मेरे कोर्स का को, इंक्लूडिंग हॉलीडेज जो मेरा कोर्स ए, जो काउंट कर रहा है वो फिफ्टीन मंथ्स पे स्पेन कर रहा है ठीक है और अगर आपका कोई प्लेसमेंट ईयर है तो आपने उनको बताया कि ये कोर्स प्लेसमेंट ईयर के साथ आता है तो जिसमें मुझे वन ईयर का प्लस जो है प्लेसमेंट ईयर भी मिलेगा ठीक है तो यह चीज़ें आपको जो ना पता होनी चाहिए उसके बाद वो आपसे पूछते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है हमारे इस कोर्स में तो आपने आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जैसे बताया था कोर्स में जाना है वहाँ पे अपने असेसमेंट में जाना है तो वहाँ पे बताया होता है कि हमने इस असेसमेंट कैसे करनी है तो मोस्ट ऑफ द असेसमेंट आपकी जो सी प्रैक्टिकल वर्क होता है प्लस आपका एग्जाम्स होते हैं और प्लस आपकी असाइनमेंट्स होती हैं तो आपको उन्होंने बताना है कि ये इस 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 तरीके से हमारे इस कोर्स की जो है ना असेसमेंट होती है ठीक है तो उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है व्हाट इज़ योर रेलिवेंस वि वट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस कोर्स विद योर प्रीवियस डिग्री ठीक है तो आपने उनको जस्टिफाई करना है, uh, मेरा जो previous जो उनसी qualification है वो मैच करती है, इस जो उनसी है कोर्स के साथ ठीक है तो आपने, जैसे मैंने, मेरा था कि मैंने उनको बताया प्रीवियली आई स्टडीड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड दिस कोर्स इज अबाउट द ड्रग्स एंड देर द न्यू डिवेलपमेंट ऑफ द ड्रग्स सो दिस कोर्स इज क्वाइट रेलीवेंट विद माई प्रीवियस डिग्री ठीक है तो इस तरीके से आपने ना उनको रेलीवेंट uh, आंसर uh, करके आपने उनको फ्लैट कर देना है ठीक है उसके बाद वो आपकी आपसे पूछेंगे आपके कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है तो uh, जैसे मेरे कोर्स की स्टार्ट डेट मेरे कैश के ऊपर लिखी हुई थी आपका कैश लेटर के बोलना उसके ऊपर आपने अपने कोर्स की स्टार्ट डेट लिखनी है तो वहाँ पर कोर्स की स्टार्ट डेट मेरी थी आलमोस्ट आई गेस फर्स्ट फैब फर्स्ट फैब 2022 ठीक है तो आपने उनको बता देना कि मेरा कोर्स स्टार्ट ये है और कोर्स की आपसे वो एंड डेट पूछेंगे आपने उनके कोर्स से एंड डेट बतानी है ठीक है तो उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी गोइंग टू हेल्प यू इन अचीव योर गोल्स ठीक है तो इसका मैंने प्रीवियसली आपको एक लाइन बताई थी ना मैंने मोबाइल से पढ़ के तो इसमें भी आप उसका आंसर कर सकते हो कुछ जोन सी है ना मेजर चेंजिंग करके माइनर चेंजिंग करके ज़्यादा मेजर चेंजिंग नहीं होगी तो उसमें आपने ये बताना है कि आपका ये कोर्स आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है ठीक है तो आपने बस ये बताना है द मॉड्यूल्स ऑफ दिस कोर्स हैव न्यू टेक्निक्स एंड न्यू मॉड्यूल्स और इसमें जो रिसर्च है वो बेटर uh, रिसर्च है बेटर प्रोस्पेक्ट्स हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयबिलिटी है ठीक है, है, है तो uh, उसमें आपने इसको एडजस्ट करके ना उस क्वेश्चन के साथ तो आपने इसका आंसर कर देना है ठीक है तो ये जो था सब कुछ था कोर्स के इंफॉर्मेशन के लिहाज से तो आपके कोर्स के मुताबिक वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं अच्छा तो यार एक ना बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर ना यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है तो uh, खासतौर पे चेस्टर यूनिवर्सिटी में ने, पूछा था तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार ये ये उन्होंने ना क्वेश्चन किए हैं ठीक है और कुछ आ, दो तीन यूनिवर्सिटी थी, थी लंदन और बर्मिंग की तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने भी उनसे ये क्वेश्चन किए थे और वो स्टूडेंट्स उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे जब उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए यार वो तो बिल्कुल ना कॉन्फिडेंस ही वहाँ पर लूज़ करके तो वो उनका जो क्रेडिबिलिटी था वो फ़ेल हो गया ठीक है क्योंकि उनके वो वहाँ पे आके खिंचिचाने लग गए उनको जहरी बात है आउट ऑफ द वे जाके कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो परेशान हो जाते हैं तो यार उसमें वो पूछा था कि आपका जो सिटी से आपकी जो सिटी से आपने जिस एयरपोर्ट से आना है फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी चेस्टर यूनिवर्सिटी है ठीक है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कुछ किस एयरपोर्ट पे लैंड होंगे तो आपने किस एयरपोर्ट पे आना चाह रहे हैं तो आप बताएंगे जी मैं करीब तरीन जौन सा एयरपोर्ट है मानचेस्टर एयरपोर्ट वहाँ पर तो वो आपसे पूछ सकते हैं वो फ़्लाइट फेयर्स के हैं ठीक है तो फ्लाइट फेयर मोस्टली स्पेन करते हैं फिफ्टी थाउजेंड सॉरी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ से लेके आलमोस्ट वन लैक पी के आर ,00 और वन ट्वेंटी पी के आर के वन वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पी के आर के दरम्या में ठीक है तो uh, आपने उनको ये बताना है लाजमी ठीक है वो आपने इसके जहन में रखना है खासतौर पर पाउंडस में अगर इसको आप कन्वर्ट करके रख लें तो ज़्यादा बेटर है फिर वो आपसे पूछ सकते हैं फ्लाइट का डिस्टेंस कितना है तो आप जो लाहौर से सॉरी इस्लामाबाद से लेकर जो मानचेस्टर का फ्लाइट डिस्टेंस है अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो तो वो एट आवर्स का है अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो तो आपने चेक कर लेना कि कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी बाया इस्तुल ठीक है बाया इस्तुल तो इस तकरीबा तो वो अलेवन अलेवन आवर्स पे स्पेंड कर रही थी ठीक है और आप वो आपसे पूछ सकते हैं कि एयरपोर्ट से ले अकोमोडेशन तक आप कैसे जाओगे तो ये आउट ऑफ द वे क्वेश्चन था मेरा दोस्त था वो वो बिल्कुल ही उसके ऊपर ना जीरो हो गया ठीक है तो आपने ये बताना कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आ, मुझे ना एयरपोर्ट से मेरी अकोमोडेशन पे ड्रॉप कर देंगे ठीक है आई आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स इन मैनचेस्टर एंड दे आर गोइंग टू पिक मी अप एंड दे विल ड्राइव मी इन ड्राइव मी टू माई अकोमोडेशन ठीक है तो उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं आ, वो आपसे मतलब कि मतलब इस तरीके से आपका आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है तो आपने उनको ये इस चीज़ के बारे में लाजमी बताना क्योंकि ये आउट ऑफ द वे जो उनसे है ना क्वेश्चन आ गया था तो एक और चीज़ है कुछ होते हैं जो खासा हम हम सिंगल स्टूडेंट्स जैसे आ रहे हैं ठीक है और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके स्पाउज और साथ डिपेंडेंट्स भी होते हैं ठीक है तो उनसे यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है कि एक ऐसा क्वेश्चन जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्पाउस में स्पाउज ने फेल किया था उसमें यह था कि आपके जो चिल्ड्रन हैं वो आप उसके किस स्कूल में डालोगे अब उन्होंने उसके बारे में सर्च नहीं की हुई थी तो बेटर यह है कि जब आप अगर जहाँ अकोमोडेशन आपने, आपने बताइए कि मैंने यहाँ पे अकोमोडेशन करनी है तो आपने उसके आस पास जो कौनसल स्कूल्स हैं तो उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन रखनी है कि ये ये स्कूल है और मैं कोशिश करी कि इस स्कूल में इस अपने बच्चों का एडमिशन करवाऊँगी या करवाऊँगा ठीक है तो आपने इन चीज़ को बेटर जहन में लाजमी रखना है तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी डिपेंडेंट्स तो आपने उनको बता देना कि Uh, मेरी वाइफ है और मेरे टू चिल्ड्रन है वर्ल्ड वन चिल्ड्रन है चिल्ड्रन नहीं है जो भी आपकी सिचुएशन uh, होगी तो आपने उसके अकॉर्डिंग उनको बता देना है ठीक है तो वो आपसे आपके चिल्ड्रन की एजेस भी पूछ सकते हैं कि उनके एजेस क्या हैं ठीक है तो uh, आपने बता देना है कि मेरा जो सन है वो टू ईयर्स का है थ्री ईयर्स का है मेरी डॉटर है जो है वो थ्री ईयर्स फोर ईयर्स जो भी आपके अकॉर्डिंग होगी तो आपने उनके बारे में लाजमी बता देना है ठीक है वो आपसे पूछ सकते हैं वट आर वट यूर स्पाउस गोइंग टू डू ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पाउस होते हैं उनको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है तो आपने उनको बता देना है कि मेरा स्पाउस जो उनसे हैं वो गोइंग टू वर्क फुल टाइम बिकॉज ही इज़ अलाउड टू वर्क फुल टाइम एंड बस बस ये आपने ज़्यादा ज़्यादातर उसको ये नहीं करना कि वो काम करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे ये वो ऐसा कुछ भी नहीं बताना क्योंकि आपने सपोर्ट जो सी है अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो की हुई है तो आपने उससे नहीं फिरना ठीक है तो उसको बस ये बताना है कि वो बच्चों की सपोर्ट के लिए आ रहा है क्योंकि पेरेंट्स के साथ जो है ना आना जरूरी है ठीक है तो बच्चों के साथ आना ज़रूरी है पेरेंट्स को उसके बाद वो आपके स्पाउस के बारे में स्पाउस की एजुकेशन पूछ सकते हैं आपके स्पाउस की एजुकेशन क्या है ठीक है तो उसके अलावा आपके स्पाउस की एज और आपके स्पाउस का वर्क यहाँ पे क्या करते हैं तो ये उसके बारे में आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना कि यार वो इसके बारे में पूछ सकते हैं ठीक है लाजमी नहीं है पूछें लेकिन पूछ सकते हैं प्रिपेयर फॉर द वर्स बट होप फॉर द बेटर ठीक है तो आपको ना इन चीज़ों के बारे में भी पता होना ज़रूर चाहिए ठीक है और कुछ एक और दो टिप्स हैं जिसके अंदर मैं जो अगर वो आपकी मर्ज़ी है चाहे इसको फॉलो करें चाहे ना करें तो अपने यूनिवर्सिटी को आपने अपनी प्रीवियस रिफ्यूज़ल के बारे में ना बताएं तो बेटर है जैसे अगर आपको यू से या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल है तो बेटर है उनको ना बताओ एम्बेसी में जब आपको अपने वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बता दो उनको बताना लाजमी है उनको अगर आपने ना बताया अगर उनको उनके पास इंफॉर्मेशन होती है अगर डिसमैच हुई तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे यूनिवर्सिटी को बेटर है ना बताओ अपने प्रीवियस रिफ्यूज़ल के बारे में ठीक है uh, उनको बिल्कुल नहीं बताना कि डोंट टेल देम दैट यू आर हेर टू वर्क वो अगर आपसे वर्क के बारे में पूछें तो आपने उनको बताने की जरूरत नहीं है अगर ज़्यादा आपको बताना भी पड़े तो आप उनको बता देना कि मैं जो ना आई विल ट्राई टू फाइंड माई कोर्स रिलेटेड वर्क ठीक है तो कोर्स रिलेटेड वर्क के बारे में आपने बताना है विद इन माई लीगल बाउंड्रीज विच इज़ अराउंड ट्वेंटी आवर्स पर वीक इज़ अलाउड ठीक है तो अगर आपको बताना भी पड़े तो उसमें इतना ही बताएं इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं बताना और अगर आपने उस टाइम जो सा है फ़िलहाल आप अपनी डिपेंडेंट्स का आपने साथ अप्लाई नहीं किया ठीक है तो बेटर यही है कि उनको डिपेंडेंट्स के बारे में ना बताओ बाद में जो सा है ना करना हो तो कर लो अगर आपने मतलब बाद में अप्लाई करवाना है ठीक है तो बेटर है यूनिवर्सिटी को ना बताओ बाद में इन बैसि को आप बता सकते हो ठीक है तो ये ये टिप्स थी ठीक है मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो इन शाह जौन सा अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई आपका कोई कोई भी आपकी क्वेरी है कोई भी आपको कोई परेशानी है ठीक है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछें मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी उसके लिए माजरत क्योंकि यार काफ़ी कुछ कवर करना था तो जोन सा है ना इसकी वजह से वीडियो लंबी हुई है तो अभी मुझे दें इजाज़त वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेलाइकन को प्रेस करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़